बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम एक ऐसे स्थल पर हैं जिसे याद करते ही भारतीय सेना और भारतीय सेना के नौजवान मां भारती के सपूत याद आ जाते हैं। हम पहुंचे हैं ग्राम डड्डू, प्रथम वीर चक्र छोक सिंह जी राठौड़। जी हां, भारतीय प्रथम वीर चक्र विजेता प्राप्तकर्ता छोक सिंह जी राठौड़, 10 मई 1948, 2 राज राइफल। आप देख पा रहे हैं, हम हैं यहां पर और इनका संग्रहालय है कुछ ही दूरी के ऊपर। आइए हम आपको संग्रहालय दिखाते हैं आदरणीय सम्मानीय श्री छोक सिंह जी राठौड़ का, जो कि भारतीय सेना में और उन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया है, मां भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है और उन्हें मिला है प्रथम वीर चक्र। उनके सपुत्र एक्स आर्मी पर्सन श्री करण सिंह जी राठौड़ जी, ये जो निवास है उन्हीं का है और उन्होंने ही यहाँ पर अपने पिताश्री का ये संग्रहालय बना रखा है। तो आइए चलते हैं संग्रहालय की ओर। ये ग्राम डड्डू से आती हुई सड़क आप देख पा रहे हैं और यह है निवास छोक सिंह जी का, करण सिंह जी का निवास, और इसी में है उनका संग्रहालय। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल संग्रहालय तक है, ये पक्की रोड जाती हुई। धीरे धीरे हम संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं। माँ भारती के सपूत छोक सिंह जी का ये निवास और उनके सुपुत्र द्वारा देखिए यहाँ पर ये संग्रहालय बनाया गया है। आप देख रहे हैं अच्छी सी बिल्डिंग और उसमें ये संग्रहालय। आदरणीय सम्मानीय श्री छोक सिंह जी, वीर चक्र विजेता, वीर चक्र प्राप्तकर्ता श्री छोक सिंह जी। धीरे धीरे हम जो है प्रवेश कर चुके हैं उनके इस संग्रहालय के परिसर में और आप देखिए यहाँ का एक आपको विहंगम नजारा मैं दिखाता हूँ, सुंदर नजारा दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा क्षेत्र आदरणीय श्री छोक सिंह जी और उनके सुपुत्र द्वारा देखिए यहाँ पर संग्रहालय बना रखा है और ये खुला स्थान, बिल्कुल हरा भरा ये परिसर। क्यों ना हो, आर्मी पर्सन हमेशा ही अपने जहाँ पर निवास करते हैं या जहाँ भी रहते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से सुशोभित करके रखते हैं, सुसज्जित करके रखते हैं। ये हरे हरे पेड़, इनकी सेवा करनी पड़ती है और वो सब करण सिंह जी ने कर रखा है। तो आइए चलते हैं हम संग्रहालय में। हमारा सौभाग्य कि आज हमें ये संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, प्रथम वीर चक्र प्राप्तकर्ता आदरणीय सम्मान्य स्वर्गीय श्री छोक सिंह जी। तो हम धीरे धीरे उनके इस संग्रहालय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है शायद आप करण सिंह जी ही हैं। जी करण सिंह जी, आप करण सिंह जी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद साहब। और आपके आज जो हमने बाहर बोर्ड देखा कि एक संग्रहालय बना रखा है आपने, आपके पिताश्री परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे या दिखाएंगे? जी हुकम। तो बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत आभार आपका जो आज हमें आप अपने पिताश्री का ये संग्रहालय दिखाने के लिए ले चले। जी चलिए करण सिंह जी, हमें संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं। छोक सिंह जी के सुपुत्र करण सिंह जी का ये निवास और आज हमें वो दिखाने वाले हैं आदरणीय सम्मान्य श्री छोक सिंह जी का ये संग्रहालय। जी करण सिंह जी, आपका अभिवादन, जो आज हमें ये अवसर मिला है कि इस संग्रहालय को देखने का, माँ भारती के सपूत छोक सिंह जी, तो हमें यहाँ के बारे में, यहाँ का थोड़ा सा वर्णन या यहाँ पर संग्रहालय में जो कुछ है उसे आप कराइए। जय माता साहब। जय माता जी, जय माता जी। ये मेरे निवास स्थान प्रथम वीर चक्र विजेता श्री छोक सिंह जी का संग्रहालय के रूप में हमने स्थापित कर रखा है। इसमें मेरे पिताजी की वो यादें जो प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर और 1914 जब पिताजी देवलोक हुए, ये उनकी यादें यहाँ पर संजो कर रखी हुई है। लॉयंस क्लब जोधपुर मरुद्रा 2003 में वीरता पुरस्कार सैनिकों का सम्मान, जिसमें मेरे पिताजी को ये ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक द्वारा श्री छोक सिंह जी के स्वस्मरण
उनकी राजपूत राइफल्स टीम यहाँ पहुंची और उन्होंने शस्त्र लिए। ये लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आपने पिताजी के इतिहास के बारे में लिखकर हमें गौरवान्वित किया, साथ में आगे जो तस्वीर नजर आ रही है ये तस्वीर हमारी भारत सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रेश कुमारी साहिबा ने हमें पत्र लिखकर जो है भेजा है वो तस्वीर है। ऊपर जो देख रहे हैं पिताजी के मूर्ति अनावरण पर भारतीय सेना के कर्नल्स और भारतीय सेना राजपूत राइफल्स से दिल्ली से आए हुए मेहमानों ने हमें ट्रॉफी भेंट कर और सम्मानित किया। आगे जो फोटो देख रहे हैं राजस्थान सरकार के पूर्व विशेष अधिकारी महेंद्र सिंह जी हापा डड्डू पहुंचे और उन्होंने पिताजी के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। नीचे जो नजर आ रही है ये वो पत्र है जो भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के एम किराप्पा ने शोक सिंह जी को 17 फरवरी 1950 को वीर चक्र ग्रंट्री अवार्ड का बधाई पत्र भेजा था। ऊपर जो फोटो नजर आ रही है ये 8वां रेजिमेंटल रियूनियन जो दिल्ली में 1983 में हुआ था, ये राजपूत राइफल्स के विक्टोरिया क्रॉस के परिवार की जो है फोटो है। ये शोक सिंह जी को जो है वहां पर भेंट की गई थी। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री भारत सरकार चंद्रेश कुमारी शोक सिंह निवास स्थान पर आती हुई। नीचे जो पत्र नजर आ रहा है ये हमारे जोधपुर के महाराजा हिज हाइनेस गज सिंह जी मारवाड़ जोधपुर ने शोक सिंह जी को पत्र लिखा। आगे जो फोटो नजर आ रही है ये फलोदी के विधायक ओमदीप जोशी और हमारे सेलगढ़ के सेक्रेटरी कर्नल उदय सिंह चौड़िया और एक्शियन सरु सिंह भाटी द्वारा शोक सिंह के निवास स्थान पहुँच कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। तो देखिए किस तरह से इन्होंने संग्रहालय बना रखा है, किन किन से उनकी मुलाकातें हुई, कौन कौन से उनको पदक मिले, कहाँ कहाँ पर, ये देखिए उनकी प्रशंसाएं और उनके साथ साथ सेना और सेना अधिकारी अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और उनका ये अवसर जब भी श्रद्धांजलि के अवसर पर भी यहाँ पर ये देखिए सेना के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते रहते हैं। क्यों ना आवें, भारत के प्रथम वीर चक्र प्राप्त करता आदरणीय सम्मानीय श्री शोक सिंह जी। करण सिंह जी इस फोटो के बारे में बताएं कुछ। जी हुकम, हमारे पश्चिमी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह जी ने शोक सिंह के स्मारक स्थल पहुंचकर पुष्प अर्पण किए। और इसी तरह से आगे देख पा रहे हैं आप इस संग्रहालय में उनकी यादें और उन्होंने जो कारनामे किए थे उन सभी की प्रशंसा करने और उनको देखने के लिए यहाँ पर जो सभी के सभी देखिए कहते हैं कि औलाद यदि अच्छी हो तो उनकी यादें अपने दिल में और अपने जहन में रखती है। और क्यों ना हो, ये तो खुद आर्मी पर्सन है इनके सुपुत्र करण सिंह जी और देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे माँ भारती के इस लाल ने जो ये वीर चक्र ही नहीं बल्कि सभी के दिलों पे राज किया। आदरणीय करण सिंह जी इसके बारे में आप कुछ कहें। जी हुकम, भारतीय सेना के जीओसी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह 12 रैपिड उन्होंने जैसलमेर से पहुंचकर पिताश्री के मेमोरियल पर पुष्प अर्पण किए और उन्होंने अपनी याद के रूप में शोक सिंह जी परिवार को ये मोमेंटो जो है भेंट किया। आदरणीय सम्मानीय माँ भारती के सपूत शोक सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप देख पा रहे हैं और इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं। आदरणीय करण सिंह जी आप बताएं इसके बारे में। हमारे सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उनके हेलीकॉप्टर क्रैश पर वो वीर गति को प्राप्त हुए। हमने अपने पिताजी की पुरानी परंपराओं के अनुसार इनका जो है श्रद्धांजलि समारोह हमने हमारे स्मारक स्थल पर रखा और ये फोटो बनाकर हमने इस वीर को श्रद्धांजलि व्यक्त की। शायद करण सिंह जी को पूछने की हमें आवश्यकता नहीं है। नम आंखों से दी अंतिम विदाई, वीर चक्र से सम्मानित शोक सिंह जी का निधन सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि
आप ये देख पा रहे हैं। ऐसे वीर सपूत को सच सच नमन, कोटि कोटि नमन। भारतीय धरा और उसकी लाज क्या होती है ऐसे वीर सपूत ही जानते थे। आज उनके पद चिन्हों पर चढ़कर माँ भारती की सेवा और इनकी प्रेरणा से आगे बढ़कर ही हमारा देश निश्चित रूप से माँ भारती की सेवा कर सकता है। अंतिम विदाई का ये चित्र आदरणीय करण सिंह जी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? 11 अप्रैल 2014 पिताजी की अंतिम विदाई 24 मैक इन्फेंट्री पोखरण और हमारे विधायक बाबा राम जी और भारतीय सेना के आला अधिकारी और पूरा प्रशासन यहाँ आकर आपको श्रद्धांजलि व्यक्त की। ये देखिए कितना पुराना फोटो, याद है 1/1/1960 आदरणीय सम्मान्य श्री छोक सिंह जी, उनका ये छाया चित्र दुर्लभ है, की गई ये संग्रहालय में एकत्रित फोटोज, और संग्रहालय वही है जो उनके जीवनी के बारे में सब कुछ बता सकता है। जी आदरणीय करण सिंह जी, ये बताइए कि हिज हाइनेस महाराजा मारवाड़ गज सिंह जोधपुर ने 11 जुलाई 1982 को उम्मेद भवन पैलेस में छोक सिंह जी और उनके परिवार को बुलाकर जो है सम्मानित किया। उस वक्त की ये छाया फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और आप लेफ्टिनेंट जनरल KD प्रणायक AVSM VSM SM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उधमपुर कमांड, आपने 2 राजपूताना राइफल्स की कमांड की थी और आपने छोक सिंह जी को जो ये अपना फोटो संग्रहालय हेतु भेजा है। याद है इस संग्रहालय में इस वीर सपूत के बारे में क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। हर पल की गवाह है ये फोटोज और इनके सुपुत्र, आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ में एक यहाँ पर नक्शा है, करण सिंह जी ये नक्शा किस चीज का है? जी हुकम, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक मेरे पिताश्री ने जो है पेरेसिया, मिसरपटम, ईरान, इराक, अरबिया के अंदर युद्ध लड़ा था, उसकी ये फोटो सेकंड राजपूताना राइफल्स ने भेंट की थी। ये देखिए संग्रहालय में वो सभी प्रतीक चिन्ह यहाँ पर रखे गए हैं जो आदरणीय सम्मान्य श्री छोक सिंह जी के सम्मान में प्रदान किए गए थे। आ गई तो कोई बात नहीं, तो वो ये भी श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं ना, श्रद्धांजलि स्वरूप ये मोमेंटो। और बहुत से ऐसे ऐसे छायाचित्र, ऐसे ऐसे श्रद्धांजलि जहाँ से प्राप्त हुई है वो सब इसे संग्रहालय में इन्होंने एकत्रित कर रखा है। फिर से देखिए आप एक दफा अंतिम अंत्येष्टि का जो है ये छायाचित्र, क्षेत्रीय विकास सेवा समिति, ये देखिए फलोदी जयपुर उनके द्वारा, और ये छायाचित्र देख रहे हैं एक भारतीय सपूत मेजर सैतान सिंह जी, परमवीर चक्र विजेता। ये आदरणीय छोक सिंह जी की याद में जो स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं उनका आप एक दफा मुआयना करें। बहुत कुछ है यहाँ पर उनकी यादों के लिए, लेकिन सब कुछ हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते। ये तो हमारा सौभाग्य के श्री करण सिंह जी यहाँ हमें मिले और उनके द्वारा सब कुछ हमें बताया गया। माँ भारती के लाल को सच सच नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ भारती के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो सर्वविदित है। तो आपने देखा संग्रहालय, आदरणीय सम्मान्य श्री छोक सिंह जी जो प्रथम वीर चक्र प्राप्त करता थे, आप करण सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ साथ में आप हैं हमारे युवा बलवंत सिंह जी जो कि करण सिंह जी के सुपुत्र हैं। अभी करण सिंह जी ने कहा कि यहाँ पर छोक सिंह जी के द्वारा एक निर्मित छोटा सा भगवान शिव का मंदिर है, तो आइए उसे भी दिखाते हैं। ये देखिए आगे करण सिंह जी चलते हुए और हम भी देख रहे हैं उसे छोटे से शिव मंदिर को। कहते हैं आस्था और विश्वास सदैव ही प्रभु के प्रति रहा है छोक सिंह जी का। और ये देखिए करण सिंह जी आगे आगे और उनके सुपुत्र भी, और हम धीरे धीरे जो छोक सिंह जी द्वारा बनाया गया शिव मंदिर है उसके दर्शन करने आ रहे हैं।
ओम नमः शिवाय, देवाधिदेव महादेव, जय भोलेनाथ। ये देखिए कितनी आस्था थी उनमें, किस तरह से प्रभु का ये शिव मंदिर उन्होंने अपने हाथों से बनवाया था, और आप देख पा रहे हैं उनका निजी शिव मंदिर ये। तो आपने दर्शन किए ये शिव मंदिर के, ये शिव परिवार के। कहते हैं कि वीर वही होता है जिसके मन में भाव और प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, और उन्हीं की प्रेरणा से वो इतने एक वीर चक्र विजेता बने। जय भोलेनाथ, जय देवाधिदेव महादेव। देखिए कुछ ही मीटर आगे अशोक सिंह जी का स्मारक स्थल बना हुआ है, आइए वहां पर आपको लिए चलते हैं। हम जा रहे हैं उनके स्मारक स्थल पर, और करण सिंह जी अपने बाइक पर हमें बैठा के ले जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं उनके स्मारक स्थल पर। ये देखिए स्वर्गीय श्री अशोक सिंह जी राठौड़, परमवीर, प्रथम वीर चक्र राजस्थान, दो राजपूताना राइफल्स 1948, सुजान सिंह जी के ढाणी ग्राम डड्डू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए 1950 में। और ये उनके स्मारक स्थल, यहाँ पर कुर्सियाँ बैठने के लिए, आने जाने वालों के विश्राम के लिए। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। हम धीरे धीरे उनके स्मारक स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये देखिए हमारे साथ में करण सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे जो साथी थे श्रवण सिंह जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके। संग्रहालय में उन्होंने वैसे संग्रहालय देखा, और अभी जो है आइए देखते हैं स्मारक स्थल। और ये देखिए पेड़ यहाँ पर, एक वट वृक्ष छाया के लिए। और भाई श्रवण जी आज हमारे साथ में करण सिंह जी जो कुछ हमें उनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। और ये है स्मारक स्थल, उन भारतीय वीर सपूत अशोक सिंह जी राठौड़ का नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए श्री अशोक सिंह जी राठौड़, इनका ये स्मारक स्थल। अशोक सिंह जी के बारे में लिखा है, स्वर्गीय अशोक सिंह जी राठौड़, वीर भाग्या वसुंधरा, जन्म 11/7/1912, सेना में भर्ती 11/7/1939 और स्वर्गवास 11/4/2014, भारत पाक युद्ध 1948, झगड़ सेक्टर J&K असाधारण कार्य करने पर 26/1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने आपको वीर चक्र से नवाजा। वंदन है आपको, नमन है आपको। मां भारती के सपूत ने अपने जीवन काल में ऐसे कारनामे किए, अपने देश, अपने प्रांत और अपने परिवार का नाम रोशन किया, इनको सादर श्रद्धांजलि। आप देख पा रहे हैं ये स्मारक आदरणीय स्वर्गीय श्री अशोक सिंह जी राठौड़ का। ये मुख्य जो सड़क है जो डड्डू जा रही है, उसी के ऊपर ये बना हुआ, और यहाँ पर सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। जी हमने देखा ये मुख्य मार्ग के ऊपर है, और यहाँ पर सभी जो भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले आते हैं, यहाँ रुकते हैं, विश्राम करते हैं, और उसी के साथ साथ जलपान करते हैं। जी जैसे क्या कह रहे थे आप, इस रोड के बारे में क्या बता रहे थे आप? जी हुकम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना पर निर्मित डड्डू से उग्रास डामर सड़क का नामकरण राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वीर चक्र अशोक सिंह मार्ग रखा गया। हाल ही में 7 अक्टूबर को भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा इस सड़क का लोकार्पण किया गया।
जी ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। यहाँ पर सड़क तो पहले भी थी वैसे, लेकिन एक अच्छी सड़क है जिसे आवागमन में असुविधा ना हो, उसका लोकार्पण किया गया है और उसको नाम दिया गया है प्रथम वीर चक्र प्राप्तकर्ता शोर सिंह जी के नाम पर। जी हाँ बंधुओं, तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी धरती पे आए जहाँ पर वीर सपूत शोक सिंह जी हुए और उनके सुपुत्र भी आर्मी से रिटायर्ड है और उनका पूरा खानदान सभी आर्मी में है। अभी वर्तमान में भी इनके परिवार से बहुत से आर्मी में हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं, स्वागत करता हूँ, और भाई श्रवण जी आपका भी स्वागत करता हूँ कि आप ऐसी धरा पे मुझे लेकर के आए। और बंधुओं मैं आपका पूर्णमल पारिक जवान भाई, जी हाँ तपोभूमियों के साथ साथ में इन वीर भूमियों के दर्शन भी मैं कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो देखते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूर्णमल पारिक जवान भाई के नाम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।